हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक इस तरह का टेबल बनाना है, ये देख सकते हैं, ये टेबल जो है, ये जो बनी हुई है, इस तरह का एक टेबल हमें डिजाइन करना है, बनाना है। और ये कहाँ बनाना है? MySQL के अंदर। और MySQL के अंदर इसको हम कैसे बनाएंगे, चलिए ये समझते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और आपके 12th के एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, एक क्या कई क्वेश्चन आएंगे। मेरे पास जो मॉडल पेपर पड़ा हुआ है उसी में का ये एक क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें जो है आईडी दी गई है, और ये फर्स्ट नेम है, फिर लास्ट नेम है, फिर यूजर आईडी है, फिर सैलरी है, ठीक है। तो ये हमें बनाना है, ठीक है ना। और ये कैसे बनेगा, चलिए ये समझते हैं। MySQL के ऊपर बनाना है, तो यहाँ पर MySQL का एक डेटाबेस मैंने डाउनलोड कर रखा है ऑलरेडी, और उसे ओपन भी किया हुआ है, ठीक है। MySQL ओपन है। अब यहाँ पर कमांड लाइन आर्गुमेंट पर ही हमें काम करना है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक डेटाबेस बनाएंगे। पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डेटाबेसेस मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे सो डेटाबेसेस, ठीक है। तो जो भी पहले से हमने डेटाबेसेस बनाए हुए हैं वो सारे दिखाई दे जाएंगे। यहाँ पे टर्मिनेशन देना है, क्योंकि ये सारे डेटाबेस के नाम है, देख रहे हैं, कंप्यूटर एक डेटाबेस है, कंप्यूटर डी है, एच एच फोर टाइम एच है, होम है, तमाम तरह के डेटाबेसेस यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। फिलहाल हमको भी एक नया डेटाबेस बनाना है, तो उस डेटाबेस को हम सीबीएसई के नाम से बनाएंगे, ठीक है। डेटाबेस किस नाम से? सीबीएसई। तो यहाँ पे सीबीएसई, ये सीबीएसई के नाम से एक डेटाबेस बना रहा हूं, लेकिन सीबीएसई के नाम से ऐसे डेटाबेस हम नहीं बना सकते। तो क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्रिएट डेटाबेस। क्या लिखना होगा? क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। और फिर यहाँ नाम दीजिएगा सीबीएसई, दे दिया सीबीएसई। अब यहाँ पर टर्मिनेशन दे दीजिए, और यहाँ पर इस तरीके से दे दीजिए। तो ये आ गया वन रो अफेक्टेड, यानी कि आपका डेटाबेस बन गया। अब हमको क्या बनाना है? अब हमें टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए क्या क्या कमांड लिखेंगे उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देना होगा क्रिएट टेबल। क्या लिखेंगे? क्रिएट टेबल, इस तरीके से लिख देंगे क्रिएट टेबल, ठीक है। और टेबल किस नाम से बनेगी? तो यहाँ पर टेबल बनेगी सीबीएसई टी नाम से, सीबीएसई टी, टी यानी टेबल, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से हम ओपन कर लेंगे इसको, ठीक है, टेबल ओपन हो जाएगी। अब इसके अंदर हमें वैल्यूज डालनी है, तो वैल्यूज किस किस तरीके से डालेंगे? तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक एक चीज करके लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, तो एक एक करके लिखते जाएंगे सिंगल डॉट कॉमा के अंदर, ठीक, टेबल बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्रिएट टेबल सीबीएसई टी के नाम से हमारा टेबल जो है बनेगा, और सीबीएसई टी हमने लिख भी दिया है, टी को प्राइमरी की बनाना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए आईडी, ठीक है। और यहाँ पर इसका डेटा टाइप इंटीजर रख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर दे देता हूँ नॉट नल, यानी खाली नहीं छोड़ सकते, और ये है प्राइमरी की, इसी में से देख के बनाते हैं, ठीक है, कॉमा देंगे। और दूसरा क्या था हमारा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नेम है, फिर लास्ट नेम है, तो यहाँ पे देते हैं एफ आई आर एस टी फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, फर्स्ट नेम हो गया। और इसका डेटा टाइप हम वेयर कैर रख देंगे, तो ये वेयर कैर हो गया, इसका साइज 20 रख देंगे, कॉमा दे देंगे, और फिर अब लास्ट नेम की बात आएगी, तो ये लग गया लास्ट, और फिर यहाँ पे नेम, ये हो गया लास्ट नेम। और यहाँ पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है, टेक्स्ट डेटा टाइप भी आप रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, वेयर कैर कर देता हूँ, वेयर कैर ही ठीक है, तो यहाँ पे वेयर कैर कर देते हैं, ठीक है। आप टेक्स्ट भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे 20 साइज रख देते हैं इसकी भी, ठीक है। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो जाने के बाद अब क्या करना है, देख लीजिए कौन सा डेटा टाइप अब हमें देना है, यहाँ पे डेटा क्या देना है, यहाँ पे है यूजर आईडी, तो यूजर आईडी भी हमें टेक्स्ट, इस बार टेक्स्ट रखता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे देंगे यूजर आईडी, ठीक है, अंडरस्कोर करके देंगे आईडी, और ये जो है ना टेक्स्ट डेटा टाइप आप रख सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप चाहे तो वेयर कैर रखिए, चाहे टेक्स्ट रखिए, दोनों रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप रख सकते हैं। अब लास्ट में क्या है, सैलरी है इनकी, तो सैलरी जो है, ये जो सैलरी है इसको हम फ्लोट डेटा टाइप करके देते हैं, फ्लोट एफ एल ओ ए टी फ्लोट, तो ये फ्लोट डेटा टाइप हमने कर दिया, ठीक है। देख सकते हैं सैलरी तक हम आ चुके हैं, ठीक है। अब ये हमारा काम हो गया पूरा। जब काम पूरा हो जाएगा तो क्या करना होगा आपको, सिंपली इसको बंद करना होगा, और बंद करके यहाँ पर टर्मिनेशन दे देना होगा इस तरीके से। और जैसे ही आप टर्मिनेशन देंगे तो आपको प्रेस करना होगा एंटर, तो एंटर प्रेस करते ही क्वेरी ओके, जीरो रो अफेक्टेड लिखा हुआ आ जाएगा। अब हमको ये चेक करना है कि हमारा डेटाबेस बना कैसा है, तो यहाँ पे आप DESC कमांड चलाइएगा, और जो आपका टेबल है वो किस तरीके का बना है वो ये बताएगा, यानी इसमें क्या क्या एलिमेंट्स को ऐड करा गया है वो सारी चीजें इसमें आएंगी। तो देखिए सीबीएसई टी नाम से डेटाबेस है हमारा, यहाँ पर टर्मिनेशन दीजिए, एंटर करिए, तो देखिए ये सारी चीजें जी हमने बनाया प्राइमरी की, यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे प्राइमरी की है, तो PRI लिखा हुआ आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और सैलरी को हमने रखा फ्लोट डेटा टाइप। ये सब नल रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये नल नहीं रहेगा, ठीक है, इसको हमने नॉट नल रखा होगा, एक बार चेक करते हैं हम।
हमने क्या दिया है इसमें, नॉट नल दिया है या नहीं देखना होगा ऊपर। देखिए यहां पर नॉट नल दिया है, यानी कि आप इसको छोड़ नहीं सकते, इसमें आपको वैल्यूज एंटर करनी ही करनी पड़ेंगी जो प्राइमरी की है, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज एंटर करवाने का क्या वे है, क्या तरीका है, क्या तरीका हो सकता है इसमें वैल्यूज डालने का, वो हमको देखना होगा, ठीक है। तो चलिए अब हमको यूज करना है इंसर्ट इनटू कमांड। कौन सा कमांड? इंसर्ट इनटू। तो चलिए अब इंसर्ट इनटू कमांड यूज करते हैं यहां पर। तो ये लिखेंगे इंसर्ट इनटू, ठीक है, इस तरीके से लिखिएगा इंसर्ट इनटू। और क्या कहां पे इंसर्ट कराना है, हमारा जो टेबल है उसका नाम है सीबीएसई टी, तो इसके अंदर इंसर्ट कराना है। इस तरीके का एक टेबल आपको प्रैक्टिकल में दे दिया जाएगा, कहा जाएगा बना करके दिखाइए, हालांकि जानकारी वानकारी होती नहीं है सबको, ठीक है। तो इस तरह का टेबल कोई दिया नहीं जाएगा, लेकिन हाँ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप बता देंगे आराम से, बना के दिखा देंगे, तब तो आपको कोई दूसरा क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा कि हाँ ये करिए वो करिए, सीधा सीधा एग्जामिनर समझेगा कि हाँ आपको बहुत कुछ आता है और आपको नंबर दे देगा, तो डोंट वरी, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ठीक है, दूसरी फील्ड क्या है, फर्स्ट नेम है, तो ये लिखा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, तो फर्स्ट नेम जैसे लिखा गया है बिल्कुल वैसे ही आपको टाइप कर देना है फर्स्ट नेम, ठीक है, फिर कॉमा दे दीजिएगा, फिर है लास्ट नेम, तो ये हो गया लास्ट, फिर अंडरस्कोर नेम, तो लास्ट नेम हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, और फिर यहाँ पे यूजर आईडी है, तो ये यूजर अंडरस्कोर आईडी, तो यूजर आईडी भी हो गया, सारा हो गया, कॉमा दे देंगे। अब यहाँ पे सैलरी की बात आएगी, तो ये सैलरी भी दे दिया हमने, तो सारी चीजें हमने दे दी, जो जो फील्ड हमने इंसर्ट कराए थे वो सारे फील्ड यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करना है, तो यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको वैल्यूज डालनी होंगी इसमें, तो यहाँ पे वैल्यूज लिखिए और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कीजिए। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आईडी देनी है, तो मान लीजिए आईडी 1 है या 1001 है, कुछ भी ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए 10 है आईडी, तो ये 10 हो गया, कॉमा दे दिया। अब यहाँ पे नाम एंटर करना है, नाम कैसे एंटर करेंगे, सिंगल एंटर कॉमा के अंदर, तो नाम में क्या दिया गया है देखना पड़ेगा हमको, ठीक है, आईडी में क्या दिया गया, नाम में क्या दिया गया, देख के एंटर करना, आईडी में 10 नहीं है 1 है, तो 1 ही एंटर करेंगे, 10 नहीं एंटर करेंगे, कॉमा, और यहाँ पे नाम में दिया गया डिम, तो यहाँ पे डिम दे दिया हमने इस तरीके से, ठीक है। तो ये डिम जो है पहला नाम दिया गया है हमारे टेबल के अंदर, देखिए ये हमारा टेबल है जो हमको बनाना है। और यहाँ पे लास्ट नेम में क्या दिया गया, जोसफ दिया गया है, ठीक है। और चलिए यहाँ पे जोसफ एंटर करते हैं, अब यहाँ पे कॉमा लगाइएगा और लास्ट नेम में जे ओ जोसफ, स्पेलिंग देखनी होगी हमको क्या स्पेलिंग दिया गया है, तो जे ओ एस ई पी एच, तो जो दिया गया बिल्कुल वैसे ही एस ई पी एच हो गया, जोसेफ हो गया। अब यहाँ पे इसको बंद करिए, फिर यहाँ पे कॉमा दे दीजिए, फिर क्या करना है, फिर यहाँ पे यूजर आईडी देनी है, तो जो यूजर आईडी दी गई है वो यहाँ पे दे दीजिए, तो यहाँ पे यूजर आईडी में दिया गया जे डिम, ठीक है, तो यहाँ पे हम भी दे देंगे जे डी आई एम डिम, जैसे दिया गया वैसे दे दीजिए, बंद कर दीजिए। और फिर यहाँ पे आइए, इनकी सैलरी क्या है, सैलरी यहाँ पे दिया गया है 5000 रुपए, तो यहाँ पे 5000 सीधा सीधा आप एंटर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, बस आपका एक रिकॉर्ड इसके अंदर आ चुका है, ठीक है ना, एक रिकॉर्ड इसके अंदर क्या हो चुका है, आ चुका है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो एक रिकॉर्ड लेके आ गए हम, ठीक है, कैसे आए, यहाँ पे इसको टर्मिनेट किया और यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर करेंगे, तो जैसे ही एंटर करेंगे तो क्वेरी ओके वन रो अफेक्टेड आ जाएगा। और अब जब हमको टेबल देखना होगा तो इसके लिए क्वेरी पूछी जाती है कि पूरे टेबल को देखना है क्वेरी क्या लिखी जाए, तो क्वेरी लिखी जाती है सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट लिखना होता है, एसई एल ई सी टी सेलेक्ट, ठीक है, इस तरीके से सेलेक्ट एसई एल ई सी टी, और यहाँ पे लगाएंगे एस्ट्रेक सिंबल, फ्रॉम कहां से सेलेक्ट करना है, तो टेबल का नाम देना होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे देना है सीबीएसई टी, ठीक है, तो ये सीबीएसई दे दिया, टी दे दिया, ठीक है, तो सीबीएसई टी से सेलेक्ट करना है, समझ गए बात को। अब यहाँ पे क्या करना है, टर्मिनेशन दे देना और एंटर करना है। तो देखिए जो हमने एंटर किया था डेटा वो इसमें दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो इस तरीके से आपको रिकॉर्ड इंसर्ट कराने होंगे। अब इसमें और भी रिकॉर्ड इंसर्ट कराए जा सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे, तो फिर वही इंसर्ट इनटू कमांड चलाएंगे, इनसे इसको टर्मिनेट कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे आ गया वन रो अफेक्टेड। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर वापिस से जाना है और टाइप करना है सेलेक्ट कमांड, ठीक है, तो ये सेलेक्ट लिखा और यहाँ पे एस्टेक सिंबल लगाया, फ्रॉम कहां से सेलेक्ट करना है, सीबीएसई, तो यहाँ पे सीबीएसई लिखिए, ठीक है, और टी सीबीएसई टेबल से सेलेक्ट कर रहा है और यहाँ पे इस तरीके से। तो देखिए दो नाम एंटर हो चुके हैं, ठीक है, अब तीसरा नाम भी एंटर करवाना है तो तीसरा नाम भी एंटर करवा लेते हैं। दूसरा हमने इंसर्ट, देखिए यहाँ पे दूसरा हमने इंसर्ट करा दिया है और यहाँ पर टर्मिनेशन देकर के और फिर आपको एंटर प्रेस करना होगा, ठीक है, तो सारी चीजें ध्यान रखिएगा। अब ये हो गया, अब इसको फिर देखना है तो वापिस से सेलेक्ट कमांड चला लीजिए, तो ये हो गया सेलेक्ट और यहाँ एस्ट्रेक सिंबल लगाइए और कहाँ से सेलेक्ट करना है, तो फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, तो सी बी एस सी, ठीक है, और यहाँ पे टी,
और यहां पर टर्मिनेशन देकर के ये देखिए ये तीसरा नाम भी ऐड हो गया। अब चौथा नाम ऐड कराना है, चौथा नाम भी ऐड करा लेते हैं। क्या किया है, तीसरा भी रिकॉर्ड इंसर्ट करा दिया है, तो ये हो गया। अब यहां पर एंटर किया तो यहां पर वापस से चेक कर लेते हैं तीसरे रिकॉर्ड के लिए, तो यहां पर कुछ ये कम हाँ तो चौथा रिकॉर्ड हो गया, तो ये चौथा रिकॉर्ड हो गया। और फिर यहाँ पे सी बी एस सी और यहाँ पे इस तरीके से टी, ठीक है, और यहाँ पे टर्मिनेशन। तो ये देखिए चौथा रिकॉर्ड भी आ गया। पांचवा रिकॉर्ड इंसर्ट करा लेते हैं यहाँ पर, तो देख लीजिए यहाँ पे चौथा रिकॉर्ड भी हमने इंसर्ट करा दिया है और टर्मिनेट भी कर दिया। तो बस अब देरी किस बात की है, चलिए इंटर कर देते हैं। तो इंटर कर दिया तो क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड। वापिस से सेलेक्ट कमांड का यूज करेंगे, सेलेक्ट और यहाँ पे एस्टेट सिंबल लगाएंगे। फ्रॉम कहां से सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करना है सीबीएसई टेबल से, ठीक है। तो सीबीएसई टी नाम का टेबल है, वहीं से सेलेक्ट करना है और यहाँ पर टर्मिनेशन देकर के एंटर कर दीजिए। ये देखिए ये चारों ही रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। तो चलिए एक बार मैचिंग करते हैं, जो हमने यहाँ पे हमें मिला था टास्क, वही टास्क ये कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये एक 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 रिकॉर्ड ये है और दूसरा रिकॉर्ड ये है, देख लीजिए दोनों ही रिकॉर्ड में कोई डिफरेंस आई होप की होगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसको शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ कोई सवाल हो तो जरूर।